और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अमावस्या शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार का दिन है। दशमी तिथि आज रात 9:32 तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। फिलहाल बात करेंगे दशमी तिथि के बारे में। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:57 तक वरियान योग रहेगा। इस योग में कोई मंगलदायक कार्य करने से उसमें निश्चित ही सफलता मिलती है। साथ ही आज देर रात 2 तक सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला रवि योग भी रहेगा। रवि योग सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। इस योग के दौरान शुरू किए गए कार्य बिना किसी बाधा के सफल जरूर होते हैं। इसके अलावा आज रेवती नक्षत्र भी है। रेवती नक्षत्र आज देर रात 2:05 तक रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम नक्षत्र माना जाता है। रेवती नक्षत्र का अर्थ है कुछ तारों को मिलाकर बनी एक आकृति। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है, जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। रेवती नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, गृह प्रवेश, विवाह, किसी सम्मान समारोह में जाना, देव प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र व्यक्ति को सुंदर, तेजस्वी, चतुर, बुद्धिमान और धन धान्य से युक्त बनाता है। वनस्पतियों में रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उनको आज महुआ के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही आज महुआ के पेड़ या उससे बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए और न ही उसे किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहिए। आज ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। आप लोगों में से कितने लोगों ने महुए का पेड़ देखा है? हमने देखा है अपने बचपन में। और महुआ जब सुबह टपकता है तो लगता है पूरे पेड़ के नीचे मोती बिखरे हो। अद्भुत सुगंध होती है महुए की, अद्भुत सुगंध होती है। कुछ लोग उसकी खीर भी बनाते हैं। तो महुए का शब्द आते ही वो दृश्य आंखों के आगे आ जाता है। जब महुए के पेड़ के नीचे चारों तरफ बिखरे हुए महुए, लगता था बड़े बड़े मोटे मोटे मोती पड़े हुए हों, एकदम नरम, हाथ में उठाते ही एकदम नरम, बड़ा अद्भुत होता है। और ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट है अपने नक्षत्र से। जिस नक्षत्र का ये वनस्पति है, इस नक्षत्र में उत्पन्न लोग ऐसे ही मधुर और शानदार होते हैं। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वरियान योग, रवि योग और रेवती नक्षत्र में उत्पन्न हुए लोगों की। और अब बात करते हैं पंचक की। याद दिला दूं कि 9 दिसंबर की सुबह 10:10 से जो पंचक शुरू हुए थे वो आज देर रात 2 समाप्त हो जाएंगे। आप जानते ही हैं कि धनिष्ठा, शतभिका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये पांच, इन पांच नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हैं। बता दूं कि 9 दिसंबर की सुबह 10:10 पर चंद्रमा कुंभ राशि में आए थे और 11 दिसंबर की शाम 4:16 पर कुंभ राशि से मीन राशि में आ गए थे और देर रात 2:05 पर मेष राशि में चले जाएंगे आज। इसके साथ ही पंचक समाप्त हो जाएंगे। इस जिसके बाद पंचक के दौरान वर्जित कार्य, जैसे चारपाई लेना या बनवाना, लकड़ी या घास इकट्ठी करना, घर की छत बनवाना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना इत्यादि कार्य करना, ये सारे कार्य शुरू हो जाएंगे। यहाँ विशेष रूप से याद दिला दूँ, ध्यान दिला दूँ कि पंचक के दौरान जब रेवती नक्षत्र चल रहा हो तो उस समय घर की छत नहीं बनवानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पंचक के समय घर की छत डलवाने से धन हानि और घर में क्लेश होता है। तो ये थी चर्चा पंचक की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।